मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूत रुख अख्तियार करने वाली है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने सबसे पहले कच्चे तेल के मसले पर सख्त फैसला लेने का संकेत दिया है। पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट की शपथ ग्रहण के बाद सरकार ईरान से कच्चे तेल का आयात जारी रखने का अहम फैसला ले सकती है। इसके मायने ये हुए कि मोदी सरकार उस अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर देगी जिसमें ट्रंप प्रशासन ने ईरान से तेल आयात न करने की हिदायत दी थी। पिछले दिनों भारत ने आम चुनाव का हवाला देते हुए ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ को तेल आयात के बारे में तत्काल ठोस भरोसा देने से इनकार कर दिया था। भारत ने ईरान से कहा था कि आम चुनाव के बाद हालात की समीक्षा होगी, फिर कोई फैसला होगा। अब मुमकिन है कि ईरान को भारत अपने फैसले के बारे में अगले हफ्ते बताए। आपको बता दें कि अमेरिका ने पिछले साल मई में ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर हुए समझौते से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद ईरान पर बैन फिर से अमल में लाए गए। इसके बाद अमेरिका ने भारत सहित 8 देशों को ईरान से तेल आयात में कमी लाने और धीरे धीरे इसे बंद करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था। ईरान पर अमेरिकी रियायत की मियाद इस महीने 2 मई को खत्म हो गई थी। भारत चीन के बाद ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत सरकार के ईरान से तेल आयात जारी रखने के फैसले का बहुआयामी असर हो सकता है। सूत्रों के अनुसार भारत देश के हित में ईरान से कच्चे तेल के आयात की वकालत करेगा। वो अमेरिका की आपत्तियों के बारे में ये कहकर अपने फैसले का बचाव करेगा कि हाल के वर्षों में ईरान से पहले ही कच्चे तेल की आयात में कमी कर दी गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करना अभी मुमकिन नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हालांकि इस बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर बताने से इनकार किया, लेकिन ईरान से कच्चे तेल का आयात जारी रखने पर भारत के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या होगी, इससे भी आगे की राह तय होनी है। ट्रंप पहले ही भारत पर करों के मामलों में नरमी नहीं बरतने का आरोप लगाते रहे हैं।